वेलकम बैक टू माय चैनल डांस बट। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी टेस्टी मटर के पराठे। मटर के पराठे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और ये जो पराठे हैं वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। रिधान क्या करता है, मटर जो होती है उसके उसको पुलाव में डाल के दो या फिर सब्जी में डाल के दो तो वो गोल गोल निकाल देता है। क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप मटर को इस फॉर्म में देंगे तो बच्चे बार बार मांगेंगे। रिधान को ये पराठे बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए देर किस बात की, इस वीडियो को चालू करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सबसे जरूरी चीज सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। और अब चलते हैं, इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, देखते हैं यम्मी पराठे बनाने की रेसिपी। तो मटर के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं बहुत सारी मटर, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। बिकॉज ये जो मटर है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी थी तो मैंने इसको बॉईल किया। अगर ये छोटी मटर होती तो आप जब फ्राई करेंगे तभी ये गल जाएगी। बड़ी मटर है, गलने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको बिना नमक के बॉईल किया है। और मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 प्याज बड़े और 2 कली लहसुन की। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो मैंने फ्राई पैन को गर्म कर लिया है अच्छे से। मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है लगभग 1 बड़ा चम्मच। ज्यादा अपन को ऑयल नहीं डालना, अगर ज्यादा मॉइस्चर कर देंगे, ज्यादा ऑयल वगैरह डाल देंगे तो फिर जो हमारा स्टफ है वो गीला हो जाएगा और पराठे जब भरेंगे तो उसमें से वो निकलने लगेगा। तो अब हमने डाल दिया है जीरा और उसके साथ डाल दिए थोड़ी सी हींग। ये जब तक ब्राउन होगा मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं 2 कली लहसुन की। और अब हम डाल देंगे हमारे प्याज। प्याज है जो हमको 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करने हैं, ज्यादा हमको उसको लाल नहीं करना है। बस इसको हमको ऐसे स्टर करते हुए 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। हमको जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी। हाई रखने से क्या होगा, प्याज जल्दी जल जाएंगे, वो अच्छे से पकेंगे नहीं, अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो बस हल्का सा उसका जो फ्लेवर है वो देने के लिए हमको इसको अच्छे से फ्राई करना है। देखिए मैंने इस तरीके से दबा दबा के हर लच्छे को अलग कर लिया है और 1 से 2 मिनट बाद देखो इसका जो कलर है वो ऐसे चेंज हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर हमारे बॉइल्ड मटर, हरे मटर। अगर आपके पास छोटे मटर हो तो इस टाइम पे जब आप डालेंगे मटर को तो इस टाइम पे ही वो गल जाएंगे, अगर आप बॉईल नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन बड़े मटर थे मैंने जैसा कि बताया, इसलिए मैंने उसको पहले बॉईल कर लिया था कुकर में 1-2 विशल के साथ। मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं थोड़ी सी हल्दी, 1 छोटा चम्मच मिर्ची का। आप यहाँ पर हरी कटी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। अदरक, काली मिर्च, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं या फिर खुद के लिए बना रहे हैं तो इसको चटपटा बनाने के लिए आप इसमें काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, अदरक ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक और उसके साथ मैंने डाल दिया है सौंफ स्वाद के लिए। मैंने सौंफ को पहले इसलिए डाला क्योंकि जब वो बाद में आएगा, मतलब कि पीसने के बाद मैं डालती अगर, तो ये बच्चों के मुँह में आता है और बच्चे इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, खासकर रिधान। उसको सौंफ वगैरह मुँह में कुछ आता है तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ में मैंने बाद में डाला है यहाँ पे गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। तो अब स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने इसको डाला है। अब मैं इसको स्टर कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, अच्छे से इसको पका लेंगे। ध्यान रखें आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, अगर आप पानी ऐड कर देंगे तो हमारा जो ये मसाला है वो गीला हो जाएगा, हमारी स्टफिंग गीली हो जाएगी और फिर जब हम इसको भरेंगे तो वो फटने लगेंगे, पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउनिश होने लगा है। ये देखिए अच्छे से ये फूट रहे हैं मटर भी हमारे। तो अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड बिना पानी के, लेकिन हम इसको ठंडा होने देंगे पहले। अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आप इसको ग्राइंड करें। अगर आप गरम गरम ग्राइंड करेंगे तो जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर ही रह जाएगा और जो हमारा स्टफिंग है वो गीली हो जाएगी। तो अच्छे से ठंडा कर लें, उसके बाद ही आप ये देखिए इस फॉर्म में आ चुका है हमारा। ग्राइंड होने के बाद जो हमारी स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब हम बनाते हैं हमारा डो। मैंने पे ले लिए हैं 2 बड़े कप आटा। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो स्टफिंग है हमारी मटर की उसके अंदर में नमक है, तो ज़्यादा हमको नमक ऐड नहीं करना है, वरना वो जो नमक है वो तेज़ हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के ऑयल। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमारा जो डो है वो रेडी कर लेंगे। ध्यान रखें जो हमारा डो है वो हमको टाइट नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट हमको लगाना है। ये देखिए इस तरीके से, अगर आप टाइट लगाएंगे तो जो हमारी स्टफिंग है वो निकलने लगेगी। तो देखो बिल्कुल हमने सॉफ्ट लगाया, इस तरीके का आटा आपको लगाना है। कोई भी आप भरवा चीज़ बना रहे हैं, भरवा कोई भी पराठे बना रहे हैं, तो उसका जो डो है आप उसको ढीला रखें ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो हर कॉर्नर तक पहुँच सके और जो स्टफिंग है वो निकले भी ना। अब इस तरीके से मैंने पेड़े काट लिए हैं और मैं अब रोटी का साइज़ का बेल रही हूँ।
हूँ, इसमें मैं स्टफिंग डाल रही हूँ। जिस तरीके से हमको स्टफिंग रखनी है और जिस तरीके से हम भरवा सबकी सभी पराठे बनाते हैं, जैसे कि आलू के उस टाइप के, तो मैं इस तरीके से ही बना रही हूँ। इन सबको मैंने अच्छे से पैक कर लिया है। इस तरीके से मैंने एक पेठा बना लिया है और हम इसको हल्के हाथों से प्रेस करके आटा लगा लगा के इसको हर तरीके से बेल लेंगे, हर जगह से, कहीं से भी मोटा पतला नहीं रहना चाहिए। और आप देखेंगे जब ये बन के रेडी होगा तो जो हमारी स्टफिंग होगी वो हर कॉर्नर तक पहुँचेगी। अब हमारा मटर का पराठा बिल्कुल रेडी है और हम इसको सेकने के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। जिस तरीके से हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं वैसे ही हम इसको सेक लेंगे, दबा दबा के हम इसको सेक लेंगे। मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है क्योंकि मैं बच्चों के पराठे बना रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसी है आपकी इच्छा वैसा उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा पराठा बन रहा है और ये जो पराठे होते हैं ना बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं, तो बच्चों को ये गर्म गर्म पराठे आप सर्दियों में खिला सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी होते हैं। आप इस वीडियो को देखते देखते मुझे याद आया कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ जो रेड कलर का बटन नीचे दिख रहा है आप उसको क्लिक करके उसको ग्रे कर दें और साथ ही हिट कर दें बेल आइकन को भी, ताकि सारी अपडेट आएँ आने वाली जितनी भी यम्मी रेसिपीज हैं वो आप सबका उसको नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने अब इसको रख दिया है और मैं इसको सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी के साथ और सॉस के साथ। बच्चे सॉस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉस रखा है। ये देखिए मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। इसकी जो स्टफिंग है आप देख सकते हैं मटर की, हर कॉर्नर तक पहुँची है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए हर जगह आपको स्टफिंग दिखेगी। ये जो भरवा पराठे हैं बच्चों को बहुत टेस्टी लगते हैं। मटर के हैं, बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा और बच्चे यम यम करके खा भी जाएंगे। रिधान को तो पता नहीं पड़ता कि ये मटर के पराठे हैं, वो तो उसको तो बहुत पसंद आते हैं ये पराठे। तो या ये है हमारी आज की वीडियो यम्मी रेसिपी, और भी है हमारे चैनल पर, आप जाके हमारी जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है शादी वाली तो आप उसकी प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।